क्वेश्चन नंबर 7, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2011. द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए सिस्टम विथ वन इनपुट यू एंड टू आउटपुट्स वाई वन एंड वाई टू इज गिवन बिलो. सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम इज गिवन बिलो फिगर. ए स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ द एबोव सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द स्टेट वेक्टर एक्स एंड द आउटपुट वेक्टर वाई इज. देयर आर फोर स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशंस आर गिवन. हेलो एवरीवन, जो वीडियो सीरीज है हम लोगों की स्टेट स्पेस एनालिसिस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिक्स क्वेश्चन डील कर चुके हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 7 गेट 2011 इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है. इसमें जो कंसेप्ट है स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड आपके पास सिस्टम ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है और हमको फाइंड आउट करना है स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन और ऑप्शंस आपके पास में बना दिया. जैसे देख सकते हैं आपके पास ऑप्शंस लिखे हुए, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, ऐसे फोर ऑप्शंस आपके पास बने हुए हैं. अब इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट वाइज अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से अगर देखो तो आपको दिख रहा है कि सिंगल इनपुट है यू दैट मीन्स इनपुट और वाई दैट मीन्स आउटपुट. ये वाई हमारे पास आउटपुट, ये हमको दिख रहा है. तो अगर आप ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे आपके पास तो देयर आर टू आउटपुट सिंगल इनपुट. और अगर मैं बोलूं कि ट्रांसफर फंक्शन में ऑर्डर कितना, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर, नंबर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टू, नंबर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टू. बट अगर मैं ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन कितना है, वन. मैक्सिमम पावर ऑफ एस इज वन, तो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज वन. ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल को स्मॉल एन बोल रहे हैं, ये वन नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल. अब अगर मैं ध्यान से अगर देखूं आपके पास कि कितने इनपुट है आपके पास, तो m की वैल्यू 1 है, द नंबर ऑफ इनपुट इज 1. कितने आउटपुट है, तो नंबर ऑफ आउटपुट इज 2, तो p इज यूज फॉर 2. जो मैं फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड किया था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस उसमें मैं टर्मोलॉजी यूज किया था प्रॉपर, p रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आउटपुट, m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इनपुट, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल. अगर मैं रिप्रेजेंटेशन वाइज अगर नोट करूं कि रिप्रेजेंटेशन वाइज क्या होता है आपके पास स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशंस का, एक बार फिर से बता देता हूं मैं. n क्रॉस 1 इज इक्वल टू सिस्टम मैट्रिक्स n क्रॉस n इंटू एक्स n क्रॉस 1 प्लस b मैट्रिक्स, दैट मीन्स द n क्रॉस m u मैट्रिक्स, दैट मीन्स m क्रॉस 1. आउटपुट वेक्टर p क्रॉस 1 इज इक्वल टू c, दैट मीन्स द p क्रॉस n x n क्रॉस 1 प्लस डी यू मैट्रिक्स, दैट मीन्स पी क्रॉस एम और यू एम क्रॉस वन. मैक्सिमम केसेस में डेटा ट्रांसमिशन मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि वहां पे इनपुट और आउटपुट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इफ आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इनपुट दैट मीन्स डी मैट्रिक्स विल एग्जिस्ट, अदरवाइज डी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो. तो मैक्सिमम केसेस में डी मैट्रिक्स आपको जीरो देखने को मिलता है. ये पूरा स्टाइल है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए आपके पास कि किस जगह पे क्या लिखा है. यहां जितने भी जगह पे स्मॉल n लिखा है नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल है, जितने भी जगह पे स्मॉल m लिखा है वो नंबर ऑफ इनपुट है, जितने भी जगह पे p लिखा है वो नंबर ऑफ आउटपुट. तो तीन ही चीज होती है, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट. अब यहां से हम देखें आपके पास की क्या क्या है. तो स्टेट वेरिएबल 1 है क्योंकि ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज 1, इनपुट कितना है 1 और आउटपुट इज 2. तो अगर मैं इसको लिखना चालू करता हूं आपके पास तो देखो x डॉट इक्वल टू आपके पास स्टेट वेरिएबल आपके पास ओनली वन है, वो स्टेट वेक्टर है कैपिटल x, दैट मींस द स्टेट वेक्टर, उसमें रखा हुआ जो कलेक्शन है दैट मींस द स्टेट वेरिएबल. तो x डॉट लिखा आपके पास 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1. ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 1 क्रॉस 1. सिस्टम मैट्रिक्स है आपके पास ये x, ये भी 1 क्रॉस 1. बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस m, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल 1, नंबर ऑफ इनपुट इज 1. तो बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास 1 क्रॉस 1 हो गया, बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा आपके पास वो भी 1 क्रॉस 1 होगा और इनपुट सिंगल इनपुट है आपके पास तो यू 1 क्रॉस 1. और अगर वाई की बात कर रहा हूं तो वाई आपके पास 2 है, द वाई 1 एंड वाई 2, ये 2 क्रॉस 1 है वाई. सी मैट्रिक्स की बात करूं तो सी मैट्रिक्स होता है पी क्रॉस एन. अब सी मैट्रिक्स अगर पी क्रॉस एन है तो पी की वैल्यू नंबर ऑफ आउटपुट 2 है, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल 1, तो सी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 हो गया और ये एक्स आपके पास 1 क्रॉस 1. आगे डी मैट्रिक्स नहीं है आपके पास, अगर डी मैट्रिक्स होता तो आगे की बात करते हैं, आगे डी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है इतना आपके पास. इसका मतलब है कि ऑलरेडी मेरे को अगर मेरे को स्टेट वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन का आइडिया नहीं है, सपोज करो मैं सॉल्व नहीं कर सकता इतने आराम से, तो मेरे को एटलीस्ट इतना बताना चाहिए कि कौन से मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होने वाला है.
और वो बहुत आसान है, आपको सिर्फ स्टेट वेरिएबल कितने होने वाले, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, नंबर ऑफ इनपुट कितने होने वाले, नंबर ऑफ आउटपुट कितने होने वाले, अगर ये आपको पता है तो आप बहुत ही इजीली आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। तो हमको पता चला कि सिस्टम मैट्रिक्स आपके पास 1x1 होगा क्योंकि स्टेट वेरिएबल 1 है। तो अगर मैं ऑप्शंस की हेल्प ले रहा हूं, जैसे ऑप्शन देख रहे हो, तो ऑप्शंस आपके पास डी आपके पास रॉन्ग हो गया। डी रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि इसमें आपके पास देखो सिस्टम मैट्रिक्स 2x2 है। डी मैट्रिक्स क्या शो कर रहा है कि नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल था 2, रॉन्ग। सी आपके पास जो ऑप्शन था वो भी रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें भी दिखा रहा है कि नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल कितना आपके पास 2, तो सीओडी कैंसिल आउट। बचे क्या कि आपके पास ए और बी ऑप्शन। देखिए ध्यान से, अगर हम ध्यान देखिए तो ए ऑप्शन में ए मैट्रिक्स 1x1 का सही, बी मैट्रिक्स 1x1 का वो भी सही। ए और बी ऑप्शन में डिफरेंस है वाई मैट्रिक्स के स्टाइल का, जो वाई इक्वल टू लिखा हुआ है। यहां पर देखो पहले वाले में सी मैट्रिक्स देखो रो मैट्रिक्स है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x2 होगा, बट बी ऑप्शन बोल रहा है कि आपके पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x1 होगा। और हमको दिख रहा है कि जो सी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2x1 इज द कॉलम मैट्रिक्स। नॉर्मली सी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होता है, सी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स नॉर्मली क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आउटपुट मैक्सिमम जगह 1 होता है और स्टेट वेरिएबल 2 या 3 होते हैं, तो हमेशा रो मैट्रिक्स मिलेगा। बट इस बार चेंज किया है, स्टेट वेरिएबल इज 1, आउटपुट इज 2, जो रो मैट्रिक्स होता था वो कॉलम बन गया। तो सी मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स समान बिहेवियर होगा, इसका मतलब सी मैट्रिक्स का बिहेवियर ये वाला होगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो कन्फर्म है आपके पास ये होगा, तब पता चल गया। तो ए ऑप्शन रॉन्ग, तो ये आंसर आ गया आपके पास बी। इसका मतलब है कि इतना एक गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से कंटेंट वाइज अगर देखा जाए, जो स्टाइल है मल्टीपल आउटपुट सिंगल इनपुट सिस्टम है आपके पास, एक से ज्यादा आउटपुट और एक ही इनपुट है, ऐसे सिस्टम को डील करना इतना आसान नहीं। बट फिर भी अगर आपको ऑर्डरिंग का इतना अच्छा अगर आइडिया है, तो ऑर्डरिंग की हेल्प से आप किसी क्वेश्चन के आंसर तक भी पहुंच सकते हो। तो मैक्सिमम समय मैं ऐसा देखता हूं कि जितने अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, 4 ही ऑप्शन फ्रेम हो सकते, उससे ज्यादा तो ऑप्शन बन नहीं सकते। तो 4 ऑप्शन अगर बन रहे तो आप इसकी हेल्प से लगभग ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए, इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाइज एक ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं इसमें दूसरे अगर बात करूं कि अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर ये कन्वेंशनल क्वेश्चन होता, अगर मैं आईएएस का पेपर देता होता और अगर ये कन्वेंशनल क्वेश्चन होता, तो फिर मैं इसको कैसे सॉल्व करता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो वो भी बता देता हूं मैं, बट ये ऑब्जेक्टिव वाइज जो अप्रोच है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आप कन्वेंशनल अप्रोच बता देता हूं। तो कन्वेंशनल अप्रोच देखिएगा, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन था, देयर आर टू ट्रांसफर फंक्शन y1 अपॉन यू एंड y2 अपॉन यू। तो अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन का लिख रहा हूं आपके पास y1 अपॉन यू, द फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन y1 अपॉन यू इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन s+2, ये हमारे पास हो गया। सेकंड अगर मैं बोल रहा हूं कि y2 अपॉन यू सेकंड ट्रांसफर फंक्शन, तो ये हो गया 2 अपॉन s+2। इतना हमको पता है कि सिंगल इनपुट है आपके पास, इनपुट सिंगल है आपके पास, तो जो बी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 1x1 होगा, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x1, सिंगल इनपुट है। तो अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर आपके पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो यू इस साइड मल्टीप्लाई होगा और यू इस साइड मल्टीप्लाई होगा। तो आप कैसे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इस बार इसमें यू मल्टीप्लाई होगा और इसमें 2u मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है या तो आप यू ला सकते हो या तो 2u ला सकते हो, लेकिन बी मैट्रिक्स एक सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स में या तो 1 होगा या तो 2 होगा, दोनों चीज आप एक साथ नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यू का बिहेवियर 2 है। एक बार पहले वाले इक्वेशन में यू है, सेकंड वाले इक्वेशन में 2u है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होता है n×m, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल 1 है, नंबर ऑफ इनपुट इज 1, तो बी मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट हो सकता है, और जब सिंगल एलिमेंट यू से मल्टीप्लाई होगा तो आइदर यू होगा या 2u होगा, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि आप इनपुट के बी मैट्रिक्स को सेटिस्फाइड कभी कर ही नहीं पाओगे। एक एलिमेंट से, एक सिंगल एलिमेंट से यू या टू यू दोनों कैसे ला सकते हैं। दूसरा स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि इनपुट का बिहेवियर सेम होना चाहिए, क्योंकि बी मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट होगा तो इनपुट का बिहेवियर सेम कैसे हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि y1 = 1 है ऊपर वाला, और ये आपके पास फर्स्ट अप्रोच, और u = s+2 है। सेकेंड में आपके पास आप ये लिख सकते हो आपके पास कि y2 = 2 है और u = s+2 है। इसमें हुआ क्या, इनपुट दोनों में सेम बिहेवियर, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इज 1, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल कितना है 1, मैक्सिमम पावर ऑफ s1 था, एक ही स्टेट वेरिएबल होगा x। अब इसको लिखने का स्टाइल क्या होता है, अगर एक ही स्टेट वेरिएबल अगर x है तो जो कांस्टेंट टर्म्स होगा वो स्टेट वेरिएबल होगा, उसका डेरिवेटिव जो होगा वो x डॉट होगा। जैसे मैं यहां से अगर बात करूं कि इसको अगर आपको स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है तो 2x हो गया, ये 2x कांस्टेंट टर्म रिप्रेजेंट द स्टेट वेरिएबल, तो 2x और ये कितना हो गया x डॉट हो गया। इसका यहां से आंसर कितना आ गया, x = -2x + u आ गया। अगर मैं यहां से बोलूं कि यहां से क्या दिख रहा है आपके पास, तो कांस्टेंट टर्म्स है और कांस्टेंट टर्म दैट मीन स्टेट वेरिएबल y1 = x। ये एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड।
स्टाइल होता है आपके पास, एक स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल होता है। तो अभी मैं स्टाइल की बात तो नहीं कर रहा हूँ कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास इस स्टाइल में जब भी आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करते हो, तो आपके पास जो स्टेट वेरिएबल होता है, जो स्टेट वेरिएबल वो कॉन्स्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसका डेरिवेटिव होता है आपके पास, ये उसका डेरिवेटिव एक्स डॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो वाई वन इक्वल टू एक्स आ गया और एक्स डॉट इक्वल इतना आ गया। चलो सेकंड में जाते हैं। सेकंड में अगर मैं बोल रहा हूं आपके पास के रिजल्ट कितना होगा, तो सेकंड में आपके पास अगर मैं बोल रहा हूं कि यू की वैल्यू कितना होगा, यू की वैल्यू, तो यू की वैल्यू आपके पास हो गया 2x प्लस x डॉट, तो x डॉट का आंसर कितना आ गया, x डॉट का आंसर आ गया माइनस 2x प्लस u। तो आप देख रहे हो ये और ये दोनों सेम आ रहा है, सेम आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ए मैट्रिक्स में भी सिंगल एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स में भी सिंगल एलिमेंट है, तो दोनों अलग अलग तो हो ही नहीं सकते। अलग होने वाली बात है सिर्फ मल्टीपल आउटपुट की, वाई की। तो अगर मैं वाई टू की बात कर रहा हूं कि वाई टू इक्वल टू कितना होगा, तो वाई टू इक्वल टू होगा कॉन्स्टेंट टर्म्स, दैट मीन्स दैट 2x, तो y2 इक्वल टू 2x आ गया। अब अगर मेरे को स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन का लिखना है, ओनली वन स्टेट वेरिएबल है, तो x डॉट इक्वल टू 1 क्रॉस 1 x डॉट इक्वल टू कितना x, माइनस 2x 1 क्रॉस 1 इनटू x 1 क्रॉस 1 प्लस b मैट्रिक्स कितना u, 1 u, तो b मैट्रिक्स इज 1 और u मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 1। y मैट्रिक्स की बात करें तो y मैट्रिक्स जो होता है p क्रॉस 1 होता है, तो देयर आर टू आउटपुट, मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है, टू क्रॉस वन, टू क्रॉस वन। और यहां पे आपके पास सी मैट्रिक्स है, तो वाई वन की वैल्यू आपके पास कितना है, वाई वन की वैल्यू कितना एक्स है, ये वन एक्स, वन एक्स। वाई टू इक्वल टू कितना एक्स है, टू एक्स, दैट टू एक्स, ये हो गया। तो ए मैट्रिक्स ये हुआ, बी मैट्रिक्स ये हुआ और सी मैट्रिक्स ये हुआ। तो अगर मैं कन्वेंशनल अप्रोच की बात करूं तो इस स्टाइल को अप्लाई किया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनपुट सिंगल है, तो इनपुट का जो रिप्रेजेंटेशन है बी मैट्रिक्स वन क्रॉस वन का होगा, सिस्टम मैट्रिक्स वन क्रॉस वन का होगा। इसका मतलब एक्स डॉट के इक्वेशन में जो भी फंक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल और इनपुट होगा सिंगल एलिमेंट आना चाहिए, मतलब एक्स डॉट का इक्वेशन दोनों केस में सेम होना चाहिए, अदरवाइज रिप्रेजेंट कैसे होगा। आउटपुट सिर्फ डिफरेंट है, तो देखो आउटपुट डिफरेंट कर लिया हम लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप रिप्रेजेंट कैसे करते, तो ये एक स्टाइल होता है, इसको डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड भी बोलते हैं या फेस वेरिएबल फॉर्म भी बोलते हैं इस मेथड को। लेकिन ये आपको एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, तो फिर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, थैंक यू।